हेलो एवरीवन, ग्लोबल स्टार्टअप स्टोरीज में आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के सबसे बड़े इंडिविजुअल चैनल प्यूडीपाई और इसके क्रिएटर फेलिक्स केजलबर्ग की। तो चलिए कहानी को करीब से समझते हैं। फेलिक्स केजलबर्ग का पूरा नाम फेलिक्स अविड अल्फ केजलबर्ग है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1989 को स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में हुआ। उनकी माँ लोटा क्रिस्टिन जोना एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर थी और उनके पिता अल्फ क्रिश्चियन केजलबर्ग एक एमएनसी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव थे। अपने बचपन के दिनों से ही फेलिक्स को आर्ट्स और वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था। वह और उनके दोस्त अक्सर स्कूल छोड़कर इंटरनेट कैफे में वीडियो गेम्स खेलने जाया करते थे। उन्होंने फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्ट्रीम में कैलमस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। 2010 में ही उन्होंने अपना गेमिंग यूट्यूब चैनल शुरू किया, लेकिन पढ़ाई में मन ना लगने के कारण उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि फेलिक्स मानते थे कि जिस चीज़ में आपका मन ना लगे वह काम कभी नहीं करना चाहिए। इस फैसले से उनके माता पिता को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वह चाहते थे कि कम से कम उनका बेटा अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी करे। अब इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद फेलिक्स को यह प्रूव भी करना था कि जो उन्होंने फैसला लिया है वह सही है। फेलिक्स अपना पूरा ध्यान YouTube पर रखने लगे, लेकिन YouTube पर वीडियो कंटेंट बनाने के लिए उन्हें एक कंप्यूटर की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट देने से साफ मना कर दिया। इससे वह काफ़ी दुखी हो गए। वह अब काफ़ी टाइम तक यही सोचने लगे कि उनका कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला सही था भी या नहीं। उन्होंने शुरुआती अर्निंग के लिए स्वीडन के एक रेस्टोरेंट में हॉटडॉग बेचने का भी काम किया और धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके उन्होंने एक कंप्यूटर खरीद लिया। फेलिक्स के यूट्यूब चैनल का नाम प्यूडी था, जिसमें प्यू का मतलब साउंड ऑफ लेजर और डाई का मतलब डेथ है। लेकिन उस यूट्यूब चैनल का वह लॉगिन पासवर्ड भूल गए और उन्होंने एक नया यूट्यूब चैनल 29 अप्रैल 2010 को बनाना पड़ा, जिसका नाम उन्होंने प्यूडीपाई रखा। इस चैनल पर वह रिएक्शंस और कमेंट्रीज दिया करते थे और साथ ही वीडियो गेम्स भी खेला करते थे। उन्हें यह काम बहुत पसंद आ रहा था। जल्द ही दिसंबर 2011 तक उनके 60,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। फेलिक्स यूट्यूब पर अपनी वीडियोस पर फेस टू फेस लोगों से इस तरह बात किया करते थे कि लोगों को ऐसा लगता था कि वह अपने किसी नज़दीकी दोस्त से बात कर रहे हैं। इसी बात करने के तरीके ने फेलिक्स को उनकी ऑडियंस के साथ बनाए रखा। साल 2013 तक उनके 1.3 बिलियन व्यूज़ हो गए थे और जल्द ही 2014 में उन्होंने iOS पर अपने एक ऑफिशियल ऐप प्यूडीपाई के नाम से लॉन्च किया। इतनी सक्सेस के बाद कई बड़ी कंपनीज ने प्यूडीपाई को स्पॉन्सर करने के प्रयास किए, जिसमें डिज्नी स्टूडियो जैसी बड़ी कंपनी का भी नाम है। उन्हें इस स्पॉन्सरशिप से काफ़ी कमाई हुई। उन्होंने 2012 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए और अगले ही साल 2013 में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। फेलिक्स बहुत पॉपुलर हो गए थे और सभी गेम डेवलपर चाहते थे कि फेलिक्स उनकी गेम खेले। वैसे तो फेलिक्स स्वीडन में पैदा हुए, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड मार्जिया बेजोगनिंग के लिए वह इटली चले गए और वहीं रहने लगे। कुछ समय के बाद वह इंग्लैंड आ गए, क्योंकि उनको वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल रही थी। साल 2015 में एग्रेसिव और प्रोवोकिंग कमेंट्स की वजह से उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन डिसेबल करा, लेकिन ट्विटर और रेडिट की मदद से वह अपने फॉलोअर्स के साथ जुड़े रहे। साल 2016 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी रखा। इसी वर्ष उनके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो गए। लेकिन 2018 में YouTube पर एक बहुत ही बड़ा YouTube कॉरपोरेट चैनल टी सीरीज उनकी YouTube की बादशाहत को पीछे छोड़ रहा है। जल्द ही टी सीरीज YouTube का सबसे बड़ा YouTube चैनल बन जाएगा, लेकिन फेलिक्स अपनी क्रिएटिविटी और अलग अंदाज से हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्लोबल स्टार्टअप स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।